Welcome back to our channel Next Generation Study. This is the seventh video of this video series जिसमें हम लोग सीख रहे हैं Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 के बारे में. अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड पीपीटी या पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना था कि इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एक्ट, जनरल डेफिनेशन इन दिस एक्ट, फिर डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, शेयर हाउस होल्ड एंड रिस्पॉन्डेंट किसको कहते हैं, क्या वॉट आर द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द लिव इन रिलेशनशिप, एंड डोमेस्टिक वायलेंस रिपोर्ट DIR क्या कहते हैं, किसे कहते हैं. इन सारी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं. सो इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट वॉट आर द प्रोसीड्यूर फॉर क्लेमिंग रिलीफ ऑर्डर अंडर दिस एक्ट. तो बेसिकली कैसे रिलीफ ऑर्डर एक एग्रीड पर्सन इस एक्ट के रिगार्डिंग ले सकता है, इस एक्ट के अंदर ले सकता है. तो पहले जो एक एग्रीड पर्सन है उसको एक DIR फाइल करना पड़ेगा, अपना कंप्लेंट रजिस्टर कराना पड़ेगा. तो वो DIR कहाँ कहाँ फाइल कर सकता है, वो DIR चाहे तो प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जाके फाइल कर सकता है, वो DIR सर्विस प्रोवाइडर के पास जाके फाइल कर सकता है, वो DIR पुलिस स्टेशन में जाके फाइल कर सकता है, या पुलिस स्टेशन के स्टेशन इंचार्ज से हेल्प ले सकता है, ये वो डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के पास जाकर के अपना एप्लीकेशन दे सकता है, कंप्लेन एप्लीकेशन. ये सारे प्रोसेस है एक एग्रीड पर्सन के पास कि वो कैसे अपना कंप्लेन फाइल करेगा इस एक्ट के अंदर. अब इस चीज को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं. व्हेन अ एग्रीड पर्सन अप्रोचेस प्रोटेक्शन ऑफिसर, क्या होता है जब एक एग्रीड पर्सन एक प्रोटेक्शन ऑफिसर को अप्रोच करता है. तो व्हेन अ एग्रीड पर्सन अप्रोचेस प्रोटेक्शन ऑफिसर, द ऑफिसर रिकॉर्ड्स द कंप्लेन इन फॉर्म नंबर 1 ऑन DIR. फॉर्म नंबर 1 जो है ऑन DIR में कंप्लेन रजिस्टर किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, एंड देन ही राइट्स एन एप्लीकेशन फॉर द रिलीफ ऑर्डर फॉर द एग्रीड पर्सन. तब वो जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो एप्लीकेशन लिखता है रिलीफ ऑर्डर के लिए एग्रीड पर्सन का. क्या होता है व्हेन अ एग्रीड पर्सन अप्रोचेस द सर्विस प्रोवाइडर, व्हाट हैपेंस व्हेन एन एग्रीड पर्सन अप्रोचेस द सर्विस प्रोवाइडर. द सर्विस प्रोवाइडर राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड पुलिस स्टेशन, एंड द प्रोटेक्शन ऑफिसर में राइट और फाइल DIR एंड राइट एन एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट फॉर द रिलीफ. आइए हम लोग इस फिर से फिगर में देखते हैं कि ये एग्रीड पर्सन सर्विस प्रोवाइडर को लिखा एप्लीकेशन. अब क्या होता है कि ये लिख सकता है आपको प्रोटेक्शन ऑफिसर को, लिख सकता है ये आपको पुलिस स्टेशन में लिख सकता है, ठीक है, और या मजिस्ट्रेट के पास भी एप्लीकेशन दिया जा सकता है. अब कि फिर क्या होता है कि व्हेन अ एग्रीड पर्सन अप्रोचेस पुलिस स्टेशन, तब क्या होता है. व्हेन द पुलिस स्टेशन ऑफिसर, जब यह पुलिस स्टेशन या पुलिस स्टेशन ऑफिस के पास पहुंचता है, हर दे कैन प्रोवाइड हर असिस्टेंट टू राइट एन एप्लीकेशन फॉर द रिलीफ टू मजिस्ट्रेट. तब एक पुलिस ऑफिसर जो है या पुलिस स्टेशन इंचार्ज जो है वो उस वुमेन को या एग्रीड पर्सन को असिस्टेंट प्रोवाइड कर सकता है, हेल्प कर सकता है एक एप्लीकेशन लिखने के लिए फॉर रिलीफ टू मजिस्ट्रेट. मजिस्ट्रेट के पास जो है एक एप्लीकेशन फॉर रिलीफ लिखने के लिए वो उसको हेल्प प्रोवाइड कर सकता है. फिर फर्दर हम लोग देखते हैं कि और क्या हो, क्या क्या चीज़ हो सकता है. तो व्हेन एग्रीड पर्सन डायरेक्टली अप्रोच टू मजिस्ट्रेट, अब वो ना ही प्रोटेक्शन ऑफिसर के थ्रू जा रही है, ना ही पुलिस के थ्रू जा रही है, ना ही सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू जा रही है, वो डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के पास जा रही है, तो उस केस में उसको क्या रिलीफ मिल सकता है. व्हेन एग्रीड पर्सन डायरेक्टली अप्रोचेज द मजिस्ट्रेट कैन इशू ऑर्डर फॉर रिलीफ. मजिस्ट्रेट डायरेक्टली ऑर्डर फॉर रिलीफ इशू कर सकता है. इसमें DIR फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती है या पड़ भी सकती है, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन. और फर्दर हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या प्रोसेस, किस तरह से ये टोटल चीज होगा, ये इस केस अगर फाइल होता है या इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है तो वो किस तरह से इस एक्ट के अंदर होगा, क्या क्या प्रोसेस होगा, कैसे कैसे किसको कब आना पड़ेगा, कब जाना पड़ेगा, क्या क्या कोर्ट ऑर्डर इशू कर सकता है, ये सारे इस वीडियो में हम लोग जानेंगे. तो फर्दर हम लोग आगे बढ़ते हुए ये जानते हैं कि एज पर द सेक्शन 4 इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड और गिवन बाय द एग्रीड पर्सन टू एग्रीड पर्सन टू रजिस्टर्ड NGO और प्रोटेक्शन ऑफिसर. चाहे वो प्रोटेक्शन ऑफिसर हो या NGO या सर्विस प्रोवाइडर,
आपको रजिस्टर्ड एनजीओ को ही सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं, वो किसी को भी एक इंफॉर्मेशन दे सकता है, वो पर्सन उसका इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेगा. द प्रोटेक्शन ऑफिसर रजिस्टर्ड कंप्लेन एज पर द सेक्शन 5 रूल नंबर 1 फॉर्म नंबर वन के अकॉर्डिंग जो भी है कंप्लेन वो रजिस्टर्ड होगा प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा. फिर फर्दर हम लोग जानेंगे कि एप्लीकेशन इज रिटन टू मजिस्ट्रेट फॉर द राइट अंडर सेक्शन 12. फर्दर द नोटिस इज सर्व और एक्स पार्टी ऑर्डर इज रिलीज. तो आफ्टर फाइलिंग द एप्लीकेशन विद इन 3 डेज द पार्टी अपीयर्स बिफोर द कोर्ट. जब भी अंडर सेक्शन 12 जब भी मजिस्ट्रेट के पास ये एप्लीकेशन लिखा जाता है, ठीक है, तो फर्दर नोटिस जो मजिस्ट्रेट के पास जो पावर होता है उस मजिस्ट्रेट पावर अपना यूज करके फर्दर नोटिस सर्व कर सकता है, ठीक है, और एक्स पार्टी ऑर्डर रिलीज कर सकता है. उस एक्स पार्टी ऑर्डर के अंडर जो अदर पार्टी होता है उस पार्टी को कोर्ट के सामने अपीयर होना पड़ता है 3 दिन के भीतर, ठीक है. काउंसलिंग अगर 3 दिन के भीतर प्रोवाइड हुआ तो जो भी मजिस्ट्रेट है वो सारा बातें सुनेगी, ठीक है, बात सुनेगा एंड फिर काउंसलिंग प्रोवाइड करेगा फैमिली को. अगर काउंसलिंग असिस्टेंट ऑफ द फैमिली वेलफेयर एक्सपर्ट अंडर सेक्शन 15 के अंदर काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी. इफ इट वर्क टू द फैमिली एंड द फाइनल ऑर्डर विल बी पास्ड बाय द कोर्ट. अगर ये चीज वर्क कर जाती है, काउंसलिंग वर्क कर जाती है उस फैमिली के लिए, तो फाइनल ऑर्डर जो है कोर्ट के द्वारा दे दिया जाएगा. अब समझते हैं कि अगर ये वर्क नहीं किया, इफ इट डज नॉट वर्क देन इंटरिम ऑर्डर विल बी पास्ड. इंटरिम ऑर्डर इज पास्ड, ठीक है. अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एविडेंस एंड आर्ग्यूमेंट आर प्रेजेंटेड एंड देन द फाइनल ऑर्डर विल पास. उसके बाद एविडेंस एंड आर्ग्यूमेंट का गेम शुरू होता है, दोनों साइड का तरफ से एविडेंस दिया जाएगा, आर्ग्यूमेंट दिया जाएगा एंड इन सारे चीज को सुनने के बाद ही फाइनल ऑर्डर पास किया जाएगा. अब व्हेन द फाइनल ऑर्डर इज पास्ड, अगर फाइनल ऑर्डर पास हो जाता है, ठीक है, तब किसी पार्टी के पास क्या क्या रिलीफ है. पहला है कि वो अपील कर सकता है. इफ नॉट सेटिस्फाइड बाय द ऑर्डर अ पर्सन कैन अपील बिफोर सेशनल कोर्ट विद इन 30 डेज ऑफ द ऑर्डर. 30 दिन ऑर्डर के निकलने के बाद, ठीक है, जिस दिन से ऑर्डर मतलब रिलीज किया जाता है उस 30 डेज ऑर्डर रिलीज करने के बाद से वो विद इन द 30 डेज वो सेशनल कोर्ट में अपील कर सकता है, ठीक है. दूसरा क्या है उसके पास रिलीफ, दूसरा है एप्लीकेशन फॉर अल्टरेशन और डिस्चार्ज कैन अ फाइल एप्लीकेशन फॉर अल्टरेशन और डिस्चार्ज ऑफ द ऑर्डर. भैया ऑर्डर को डिस्चार्ज कर दो या खारिज कर दो या इसको चेंज करो, जो भी है उसके रिगार्डिंग भी एप्लीकेशन फाइल किया जा सकता है. और तीसरा है इफ द ऑर्डर पास बाय कोर्ट इज वॉलेटेड, अगर कोर्ट के थ्रू जो ऑर्डर पास किया गया वो वॉलेटेड हो रहा है, ठीक है, तब एग्रीड पर्सन या कोर्ट का ऑर्डर जब नहीं मानता तब अंडर सेक्शन 31 मैंने पहले भी बताया है कि इस जो टोटल एक्ट है इस एक्ट में कहीं भी अरेस्ट का प्रोविजन नहीं है कि किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाए या उसको इंप्रिजनमेंट दिया जाए, ठीक है, बट इसका भी एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है 31 सेक्शन 31. तो अंडर सेक्शन 31 उस पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा, उस पर्सन को हथकड़ी लगाई जाएगी, उस पर्सन को अरेस्ट करने के बाद उसको 1 साल तक का जेल हो सकता है या 20,000 तक का फाइन किया जा सकता है इस सेक्शन के अंदर, अगर वो कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानता है तो. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें इससे रिगार्डिंग PPT या PDF डाउनलोड करने के लिए. और हम लोग डेली इंस्टा पे क्यूज़ डालते रहते हैं तो प्लीज़ हमारे इंस्टा पे भी फॉलो करें और हमारे क्यूज़ को आंसर करें. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू.